मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं। सोमवार देर रात बिहार से सामने आई एक बहुत बुरी खबर ने देश के नेताओं को रुला दिया। खबर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन की थी। जी हाँ, लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे और कुछ वक्त पहले की तो बात है जब उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि वो अब चुनावों में भी सक्रिय नहीं रह पाएंगे और इसके बाद खुलासा हुआ था कि सुशील कुमार मोदी कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहे थे। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अचानक एक रात ऐसी खबर आएगी जो पूरे बिहार के साथ साथ देश की जनता के दिलों को भी तोड़ देगी। सुशील कुमार मोदी ने 72 साल की उम्र में आखिरी सांसें ली। जैसे ही ये खबर सामने आई बिहार के नेताओं में हड़कंप मच गया। क्या नेता पक्ष और क्या नेता विपक्ष, हर किसी ने अपना दुख जाहिर किया। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक होते हुए नजर आए। नरेंद्र मोदी ने सुशील कुमार मोदी के साथ हाथ मिलाती हुई एक तस्वीर साझा की और लिखा, पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील कुमार जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ। बिहार में भाजपा के उत्थान और उसकी सफलताओं के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा है। आपातकाल का पुरजोर विरोध करते हुए उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वो बेहद मेहनती और मिलनसार विधायक के रूप में जाने जाते थे। राजनीति से जुड़े विषयों को लेकर उनकी समझ बहुत गहरी थी। उन्होंने एक प्रशासक के तौर पर भी काफी सराहनीय कार्य किए। जीएसटी पारित होने में उनकी सक्रिय भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति। नरेंद्र मोदी ही नहीं, अश्विनी कुमार चौबे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, सुशील मोदी सिर्फ मेरे मित्र नहीं बल्कि भाई थे। मैंने आज अपने भाई को खोया है और मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। और ये कहते हुए अश्विनी कुमार चौबे फूट फूट कर रोने लगे। जरा देखिए सोशल मीडिया पर अश्विनी कुमार चौबे का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो किस तरीके से रो रहे हैं। मेरे मित्र ही नहीं कहा जाए, उस परिवार से मेरा इतना लगाव रहा है, मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूँ उनके। मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं। एक ऐसा भाई जो सतपथ पे मेरे मित्र भी थे, मुझे सलाह भी देते थे, मुझे जो कुछ भी होता है कभी मैं डांट भी देता था उनको, तो वो बुरा नहीं मानते थे। कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये बुरा दिन मुझे देखना पड़ेगा। सुशील जी सचमुच बहुत ही ऐसे विनम्र व्यक्ति, बराबर नम्रता कुट कुट कर बनी थी। अगर किसी को गुस्साते भी थे तो फिर तुरंत शांत होकर के कहते थे, चौबे जी ये मुझसे लगता है कि मैंने डांट दिया उस आदमी को, इसका आदत ठीक करने के लिए डांटा। वो जब कभी भी हर तरह से परोपकार और उनके दिल में कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि पार्टी के लिए वो कितना समर्पण भाव था। एक एक कहा जाए वो कंप्यूटर थे। मुझे याद है राजेंद्र नगर में जब वो कंप्यूटर का ट्रेनिंग का वो सीख, मतलब उन्होंने संस्थान खोला हमारे एक निजी संबंधी के घर, और उस समय से मैंने देखा है कि वो कंप्यूटर की तरह सीखा भी उन्होंने और कंप्यूटर की तरह वो पहले से भी थे, और आज तो एक एक डाटा उनको याद रहता था। मैं कह सकता हूँ कि राजनीति में ऐसे प्रखर व्यक्तित्व और जो समाज के अंदर हर एक क्षेत्र का ज्ञान, छात्र आंदोलन में, आपातकाल में बरसों जेल में रहे हमारे साथ, आपातकाल में पीएमसीएच में महीनों हॉस्पिटल में रहे, उस समय भी उनकी व्यथा को, बीमारी के हालत में भी ये पुस्तक को कभी नहीं छोड़ते थे, अध्ययनशील थे। अश्विनी कुमार चौबे ही नहीं बल्कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव भी भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, सुशील मोदी से मेरा संबंध 1971 से है। वो एक जुझारू नेता थे, उनका जाना पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। जरा सुनिए नंद किशोर यादव ने क्या कुछ कहा। सुशील मोदी कई प्रकार के गुणों से परिपूर्ण थे। एक तो मैं जो देखता था, जो काम अपने हाथ में लिया उन्होंने पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ उस काम को पूरा किया। दूसरी जो खासियत थी वो विषय की गहराई में जाते थे, और गहराई में जाने के लिए किसी से भी जानकारी इकट्ठा करने में कोई संकोच उनको नहीं होता था, और
गहराई में जाने के बाद उस विषय को रखना हो, इतने बढ़िया तर्कपूर्ण ढंग से रखते थे कि दूसरे को प्रभावित होना निश्चित था। जुझारू नेता थे, संघर्ष किया, जेल गए, 74 का आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने, जेल भी गए आपातकाल के दौरान, और जब शासन संभालने की बारी आई तो हमने देखा कि एक बेहतर प्रशासक के नाते उन्होंने प्रबंधन का काम भी बहुत बढ़िया किया। मेरे संबंध रहे, हर स्तर पर संबंध रहे, मेरे पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद एक साल बाद वो पार्टी के देश के अध्यक्ष भी बने, साथ में हम लोग सरकार में काम करते रहे, और इस सब चीजों में सुशील मोदी का एक अलग व्यक्तित्व हम सबको प्रेरणा देता रहा। कितना क्षति पार्टी को और बिहार की जनता और बिहार की राजनीति को? देखिए, क्षति तो है ही, पार्टी को तो एक बड़ी क्षति है, चूंकि आज के तिथि में आप देखें तो हम लोग के अभिभावक के रूप में काम करते थे, हमने अभिभावक खो दिया, और बिहार की जनता की आवाज बनकर सदा बोलने वाले नेता अगर खो गए तो जनता की क्षति तो निश्चित रूप से है, और ये क्षति की भरपाई कैसे होगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जरूर ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अपने श्री चरणों में अपना स्थान दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। कोई छोटा सा वाक्य आपके और उनके बीच का बताना चाहें? वाक्य तो इतना है कि आप बताना कठिन है, अभी इस विषय पर ज्यादा बोल नहीं सकता मैं, लेकिन मैंने कहा आपसे कि सुशील मोदी अनोखे व्यक्तित्व के मालिक थे, बेहतर प्रशासक, गहन अध्ययन करने वाला, तर्कपूर्ण ढंग से बात रखने वाला और लड़ाकू योद्धा, किसी से भय नहीं खाया उसने। यही नहीं, लालू यादव भी भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के समय यानी विगत 51-52 वर्षों से हमारे मित्र भाई सुशील मोदी के निधन का अति दुखद समाचार प्राप्त हुआ। वो एक जुझारू समर्पित सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति थे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति तथा परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इतना ही नहीं, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने भी दुख जताते हुए लिखा, बिहार को जंगलराज से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी के निधन से मुझे व्यक्तिगत क्षति का एहसास हुआ है। स्वर्गीय सुशील जी ने आजीवन गरीब एवं वंचित वर्ग को समाज के मुख्यधारा से जोड़ने हेतु संघर्ष किया। आज उनके जाने से बिहार और देश ने एक योद्धा खो दिया जो दृढ़ इच्छा शक्ति से बिहार और देश की प्रगति हेतु काम करता रहा। स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी अमर रहे। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, हमारे अभिभावक, संघर्षशील एवं कर्मठ नेता आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी के असामयिक निधन की खबर सुन अत्यंत व्यथित हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा परिजनों व शुभ चिंतकों को दुख की इस घड़ी में संबल प्रदान करे। ओम शांति ओम। इसके अलावा पीयूष गोयल भी भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने लिखा, बिहार में संगठन को मजबूती प्रदान करने वाले भाजपा के कर्मठ नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के निधन का समाचार सुनकर स्तब्ध हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं परिजनों और प्रशंसकों को संबल प्रदान करे। ओम शांति। इसके अलावा हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाले और बिहार के बेटे के नाम से मशहूर मनीष कश्यप ने भी एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो सुशील मोदी के साथ नजर आ रही हैं। इसी के साथ मनीष कश्यप लिखते हैं, भाजपा के कद्दावर नेता सुशील मोदी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, भगवान उनको अपने चरण में स्थान दे। तो देखा आपने बिहार के साथ साथ देश के नेता सुशील मोदी के जाने के बाद कैसे भावुक हो रहे हैं। फिलहाल भगवान से यही दुआ कर सकते हैं कि उनके परिवार को इतनी शक्ति मिले कि वो इस दुख से उबर सकें।